नमस्ते। ध्यान का क्या मतलब है उसकी बात हमने कल की, अब आज ध्यान के क्या फायदे हैं उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। अभी का ज़माना हमारा ऐसा आ गया है कि किसी भी चीज़ में हमें फ़ायदा क्या मिलता है। हमारा गुजराती में, मैं तो यहाँ गुजरात में रहता हूँ तो गुजराती में हम कहते हैं कि मेरा केटला हमारा केटला टका, यानी मुझे उसमें से क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे उसमें से क्या डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे क्या परसेंटेज उसमें से होंगे वगैरह। तो इसलिए पहले फ़ायदे की तो बात करें, यदि वो अच्छे लगे तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। तो मेरे हिसाब से ध्यान के तीन फायदे होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक फायदे में आप सब लोगों को तो अभी मालूम है कि आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, डायबिटीज़ है आपको, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि भैया मैं ये आपको दवाई तो दे रहा हूँ लेकिन साथ साथ में आप ध्यान भी करना, योग करना। ये एक फैशन होगी ये मालूम नहीं, लेकिन हाँ सब लोग कहते हैं कि ध्यान करो। मैं एक ध्यान का ट्रेनर हूँ तो मेरे यहाँ भी कुछ जो लोग आते हैं करने के लिए, तो उसमें से दो तीन लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने डॉक्टर ने कहा है इसलिए वो मेरे पास आए हैं। तो ये जो शारीरिक जो रोग है, मैंने जो नाम बताए हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एसिडिटी या ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको ध्यान से उसमें एक राहत मिल सकती है। क्योंकि ध्यान करने से आपका मानसिक संतुलन बैठता है, तो मानसिक फायदे में यही एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक संतुलित जीवन जीना सीख जाते हो। मैंने सुख में आप बहुत आसमान में उड़ने नहीं लगते और दुख में एकदम निराश होकर के आत्महत्या करने की बात पे आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो जो कुछ भी है जीवन में उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, जिससे हमारा दुख कम होता है। दुख क्या है? आपकी अपेक्षा या तो आपकी इच्छा जो है वो यदि पूरी नहीं हुई तो आपको दुख होता है। तो यदि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, एक आध बार नहीं पूरी होगी, उसमें क्या हर्ज है, तो आपको दुख नहीं होगा। तो दुख नहीं होगा तो आपको मानसिक तनाव नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। और आज के ज़माने में तो क्या मानसिक टेंशन है आपको मालूम है, कितना टेंशन सभी को है। अरे छोटे छोटे बच्चे, 10वीं 12वीं कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं और उनको इतने प्रतिशत मार्क्स मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले तो परसेंटेज कम आए, इसलिए वो भाग जाते हैं या तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये टेंशन ही है, उन्हीं के माता पिता को भी ये टेंशन है, हमारी जॉब जो है उसका टेंशन है, सभी प्रकार के टेंशन हमें अभी इस ज़माने में है, हमारी जीवन शैली ऐसी बन गई है। इसलिए तो यदि इसमें से ध्यान करने से हमें फायदा होता है, राहत मिलती है, हमारा जीवन संतुलित बनता है, तो उससे अपने आप हमारी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और शारीरिक जो तकलीफें हैं वो भी कम होती है। तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों तकलीफें ध्यान की वजह से कम होती है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा अनुभव है और जो जो ध्यान करते हैं उनका सबका ये अनुभव है। और तीसरी बात रही आध्यात्मिकता की, तो उसके बारे में फिर से कल बात करेंगे। धन्यवाद।